मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। वो उसी रात मुझे हमारे शहर से दूर गांव के एक खाली कमरे में ले गए और कहने लगे कि तुम्हें पूरे 9 महीने यहीं पर रहना है। जब मेरी प्रेगनेंसी का समय पूरा हुआ तो आखिरी दिन मुझे बहुत तेज दर्द होना शुरू हुआ। उसी समय एक औरत अंदर आई और मेरे बच्चे को सबसे छुपाते हुए उस कमरे से बाहर ले गई। कुछ समय बाद मेरे पति अंदर आए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे कि तुमने तो एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। जब मैं दूसरी बार गर्भवती हुई तो मैंने अपने पति को कुछ बताया ही नहीं और चुपचाप घर से भाग गई। जब डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और कुछ देर बाद उन्होंने मुझे एक जंजीर से बांधकर बेड पर लिटा दिया और अपनी पूरी टीम को बुला लिया और कहा कि तुम्हारे पेट में तो। हर लड़की की जिंदगी में ये दिन जरूर आता है जब उसकी शादी होती है और वो दुल्हन बनकर अपने पति के घर विदा होती है। मेरी जिंदगी में भी ये दिन आया। बहुत अच्छे से मेरी शादी हुई थी। मैं भी दुल्हन बन अपने पति का इंतजार उस कमरे में कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुला और मेरे पति कमरे में आए। उनके कदम धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वो आहट कहीं बीच में ही रुक गई। मैंने अपनी नजरें झुकाए बैठी थी। हिम्मत ही नहीं थी अपनी आंखें उठाकर देखने की। मैं सोच ही रही थी कि अब वो मुझे कुछ बोलेंगे पर उन्होंने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाया और जब ऊपर देखा तो मानो बेहोश होते होते बजी, क्योंकि कमरा तो बिल्कुल खाली था, वहां कोई था ही नहीं। पर मुझे बहुत अच्छे से किसी के आने का एहसास महसूस हुआ था। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैंने पूरे कमरे में इधर उधर देखा पर कहीं कोई नहीं था। मैं चुपचाप जाकर वापस बैठ गई। अगले कुछ समय में मेरे कमरे का दरवाजा फिर खुला। नजरें उठाकर मैंने देखा तो मेरे पति थे। वो मेरे पास आए और बैठ गए। वो कहने लगी कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। मैंने कहा पता नहीं, अभी कुछ देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने अपना घूंघट हटाया मुझे पूरे कमरे में कोई दिखाई ही नहीं। पहले कुछ देर तक तो वो कुछ बोले ही नहीं और उसके बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं, आपकी ऐसी हंसी से मुझे घबराहट हो रही है। तो वो कहने लगे अरे सुनैना, कुछ देर पहले भी मैं ही आया था। वो तो मैं तुम्हारा गिफ्ट लाना भूल गया था इसलिए वापस लेने के लिए गया था। ये देखो, वो मेरे लिए एक अंगूठी लेकर आए थे। उन्होंने वो अंगूठी मेरे हाथों में पहना दी। मुझसे कहने लगे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने भी एक सुंदर सी मुस्कान उन्हें दे दी। उसके बाद वो उठे और उठकर वॉशरूम चले गए। जब वापस आए तो बोले कि शादी की भाग दौड़ में मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों ही सो गए। सुबह जब सोकर उठे तो पूरे घर में मैं घूम रही थी। हर कमरे हर दीवार को छूकर महसूस कर रही थी। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी तो मेरे पति और मैं एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं थे और ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानते थे। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। आज सुबह जब शादी होने वाली थी तो मेरी माँ ने तो मुझे बस यही बात कही थी कि बेटा तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना अच्छा पति मिल रहा है, इतना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान है और उससे भी बड़ी बात ये है कि उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। उसके मम्मी पापा तो कब का इस दुनिया से जा चुके हैं और भाई बहन भी नहीं है। वो अकेला ही पूरे घर का और हर चीज का मालिक है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी क्यों, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? अगर भगवान ना करे कल को अगर आपस में कोई भी बात हो गई तो उनसे कौन बात करेगा या हम किसको कुछ बोल पाएंगे? तो मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि बेटा ये तो अच्छा ही है कि उसके रिश्तेदार भी नहीं है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में आधे से ज्यादा लड़ाई तो रिश्तेदारों की वजह से ही होती है। उसे कोई भड़काने वाला ही नहीं है जो तुम्हारी लड़ाई क्यों होगी। पूरी दुनिया में उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही होगा। जो हो सिर्फ तुम ही हो उसके लिए। तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना और देखना, वो भी तुम पर अपनी जान देगा। अपनी मम्मी की बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी इसलिए मैंने भी रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। और देखिए, देखते ही देखते समय कैसे निकला कि आज मैं उनकी बीवी भी बन गई, उनके घर की मालकिन हूँ। आज मैं पूरे घर की एक एक चीज को बहुत ही प्यार से छूकर महसूस कर रही थी। हालांकि हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था पर बेहद खूबसूरत था। हर चीज अपनी जगह पर बहुत अच्छे से सजी हुई थी। घर को देखते देखते ही मैं घर के पीछे चली गई। सोचा कि देखती हूँ अंदर क्या है। कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलने वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर से खींचा। मैं बहुत घबरा गई थी। जब पीछे मुड़कर देखा तो ये तो मेरे पति थे। मैंने कहा आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे पति के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से में बोले कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस अपना घर देख रही थी, हर चीज को महसूस करना चाहती थी। आपका घर बहुत सुंदर है। वो गुस्से में बोले कि देखो मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार ये बात समझा रहा हूँ कि पूरा का पूरा घर तुम्हारा ही है। तुम जहाँ चाहे रह सकती हो, जहाँ चाहे जा सकती हो, लेकिन इस कमरे के आसपास भी मत भटकना, यहाँ से दूर रहना।
मैंने कहा कि अगर पूरा घर मेरा है तो ये कमरा मेरा क्यों नहीं है? तो कहने लगे कि देखो, कुछ समय पहले मैंने घर में एक किराएदार रखा था, तो उसी का सामान इस कमरे में रखा हुआ है। मेरी उससे बात चल रही है, कुछ समय में आकर वो सामान यहाँ से ले जाएगा, लेकिन क्योंकि वो यहाँ नहीं है तो हमें उसका कमरा खोलना नहीं चाहिए। मैं उनकी बात समझ गई थी। एक बार उसे आकर अपना सामान ले जाने दो, उसके बाद अगर तुम चाहो तो इस कमरे की भी मालकिन तुम ही बन जाना। मुझे बहुत अजीब लगा था। मैं सोचने लगी कि ऐसा कौन है जिसके लिए मेरे पति ने ये कमरा आज तक भी बंद करके रखा है। मेरे पति का गुस्सा बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, वो मुझसे कहने लगे कि बस बस, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मुझे वैसे भी ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं, और आज के बाद तुम मुझे वापस यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मेरा मुंह पूरे तरीके से उतर गया था। रोते हुए मुंह के साथ मैं वापस अपने कमरे में चली गई। साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि ये क्या बात हुई कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। अंदर अपने कमरे में जा ही रही थी कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पति ने जाकर दरवाजा खोला और वापस आए तो उनके हाथ में नाश्ता था। मैंने उनसे कहा कि अरे, इसकी क्या जरूरत थी, अब तो आपकी बीवी भी घर आ गई है, अब आपको बाहर से कभी भी कुछ मंगाकर खाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति कहने लगे, कोई बात नहीं, आ जाओ अब नाश्ता कर लेते हैं। हम दोनों ने ही बिल्कुल चुपचाप होकर नाश्ता खत्म किया। मेरे पति अपनी नजरें झुकाकर नाश्ता कर चुके थे। कुछ भी कहो, लेकिन ये बात तो थी कि मेरे पति दिखने में बेहद सुंदर थे। मेरी नजरें तो उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उनकी काली घनी पलकें इतनी खूबसूरत थी कि मन कर रहा था कि बस देखती ही रहूं। इतने में वो कहने लगे कि मुझे बाद में आराम से देख लेना, पहले अपना नाश्ता खत्म कर लो। उनका इतना कहना था कि मैं बहुत हड़बड़ा सी गई थी, पर वो तो नीचे मुंह करके खा रहे थे, पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे पकड़ लिया। मैंने चुपचाप नाश्ता खत्म किया। मैं नाश्ता के बर्तन लेकर किचन में जा ही रही थी कि वो उठे और नाश्ते के बर्तन लेकर किचन में गए, उसके बाद धोकर भी रख दिए। उनके इस तरीके का व्यवहार को देखकर मैं बहुत खुश थी कि मुझे वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान मिला था। पर हाँ, मुझे इस बात की तकलीफ जरूर थी कि वो बोलते बहुत कम थे, लेकिन इसके बारे में भी मैं कुछ सोच चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसे उन्हें अपने रंग में रंगना है। समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और मैं अपने पति के साथ बेहद खुश थी। कुछ समय बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं खुद तो खुश थी ही, मैंने सोचा कि जब मैं अपने पति को ये बात बताऊंगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। अब तो बस मुझे शाम होने का इंतजार था। जैसे ही शाम हुई वो घर आए। मैंने उन्हें फटाफट जाकर बताया कि आप पापा बनने वाले हैं। मेरा इतना कहना था कि उनके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई और कुछ सेकंड्स बाद बोले कि बधाई हो, तुमने तो मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। पर उनके बोले हुए लफ्ज उनके चेहरे की रंगत से मिल नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो इतने खुश नहीं है। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और उन्हीं भरी हुई आंखों को लेकर अपने कमरे में मैं चुपचाप चली गई। कुछ देर बाद मेरे पति कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि क्या हुआ, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने उन्हें कहा कि मुझे लगा था कि शायद बच्चे के बारे में सुनकर आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आपके चेहरे पर मुझे वो खुशी दिखी नहीं। इतने में उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझे बहुत प्यार से कहा कि तुम पागल हो, मैं बहुत खुश हूँ। आजकल मुझे अपने ऑफिस में काफी परेशानी हो रही है। ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे डर है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, बस इसी सोच में गुम था मैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खुशी नहीं है। उनके हाथों के ऊपर मैंने अपना हाथ रखा और उन्हें कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप तो जानते ही हैं कि हर बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आता है और भगवान से मांगी हुई हर प्रार्थना जरूर पूरी होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारे जीवन में और हमारे बच्चे के जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। मेरी बातों को सुनकर वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद से वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। मेरी लंबी लंबी बातों को सुनकर भी नाराज नहीं होते थे। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और वो अपने काम पर जा चुके थे। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो वापस आ गए। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने उन्हें कहा कि आप इतनी जल्दी आ गए? जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई था ही नहीं। मुझे तो अपनी हालत पर ही हंसी आ रही थी। मुझे लग रहा था कि सचिन का प्यार मेरे दिमाग में घुस गया है। हमेशा मुझे उनकी आवाज आती है और उनकी हंसी सुनाई देती है। शाम को जब वो घर आए तो मैंने उनको ये बात बताई, पर उनका व्यवहार बहुत ही नॉर्मल, ना हाँ कहा और ना ही ना। खाना खाने के बाद हम लोग अपने कमरे में सोने के लिए गए। तभी मेरे पति कहने लगे कि आज मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। मैं उसी टाइम बिस्तर से उठी और मैंने कहा कि आप रुको, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बिठा दिया और मुझसे कहने लगे कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आता हूँ। आज तो मेरे हाथ की चाय पीकर देखो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में वो चाय लेकर आए, तब तक मैं बाहर ड्राइंग रूम में आ गई थी।
हमने टीवी चलाई और टीवी देखते हुए चाय पीने लगे। कुछ देर टीवी देखने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी चलिए। वो कहने लगे कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, वो बाहर वहीं बैठकर टीवी देख रहे थे। ना जाने कैसे उस दिन मैं इतनी गहरी नींद में सो गई कि मेरी नींद लगभग सुबह 4 बजे खुली। जब अपने बराबर में देखा तो वहां तो मेरे पति थे ही नहीं, शायद पूरी रात से अंदर ही नहीं आए थे। गुस्सा तो मुझे उन पर बहुत आ रहा था। मैं सोचने लगी कि सुबह इनको ऑफिस में जाना है और ये अभी तक टीवी चलाकर बैठे हुए हैं। मैं बाहर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी कि उनको बुलाकर ले आती हूँ, पर जैसे ही बाहर गई तो वो मुझे नहीं दिखाई दिए, टीवी भी बंद थी। बाहर लॉन में जाकर देखा तो वहां भी नहीं थे। अब मेरा मन घबराने लगा था कि ना जाने वो कहाँ चले गए। घर में उनको ढूंढी रही थी कि मेरी नजर उस बंद कमरे पर गई। दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि शायद उस कमरे में रहने वाला आदमी वापस आ गया है, अब वो जल्दी से अपना सामान लेकर जाए तो कमरा भी मैं देख सकूं। मैं धीरे धीरे बढ़ते हुए उस कमरे की तरफ जा रही थी कि मुझे अपने पति की आवाज आने लगी। वो ना जाने किससे बात कर रहे थे और रो भी रहे थे। मैंने जैसे ही अपने कदम दरवाजा खोलने के लिए बढ़ाया तभी अचानक कमरे में अंधेरा हो गया और वो बाहर आ गए। उनको अचानक बाहर देखकर मैं हड़बड़ा गई। मुझे उस कमरे के बाहर फिर से देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें पहले भी कितनी बार मना किया है, पर क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? तुम फिर से वहां क्या क्यों गई थी? मैंने उन्हें कहा कि आपको बिस्तर पर ना पाकर मैं बहुत घबरा गई थी, आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी कि तभी मेरी नजर उस कमरे की रोशनी पर गई। मुझे लगा कि शायद किरायेदार वापस आ गया है, बस इसलिए वहां पर देखने गई थी। मेरी बात को सुनकर वो थोड़े शांत हुए और अपने कमरे में जाकर सो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस कमरे की बात करते हुए उनका व्यवहार ऐसा क्यों हो जाता था। कुछ समय ही गुजरा होगा कि मेरी डिलीवरी का भी समय आ गया। सुबह से ही मेरी तबीयत ना जाने क्यों खराब सी लग रही थी, इसलिए मैंने अपने पति को भी घर में ही रोक रखा हुआ था। दोपहर के समय थोड़ा आराम करने के लिए लेटी थी कि महसूस हुआ कि तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। मैंने जल्दी से अपने पति को बुलाया और उन्हें कहा कि आप जल्दी गाड़ी निकालिए, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। कुछ ही मिनट में मैं दर्द से तड़पने लगी थी, बहुत तेज दर्द था। मैं सोच रही थी कि ना जाने वो कब अंदर आएंगे, इतनी देर हो गई है। मैं वहीं पर दर्द से तड़प रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में मेरे पति एक औरत के साथ मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि ये एक बहुत समझदार और तजुर्बे वाली दाई है, तुम्हारी डिलीवरी यही देखेगी। आंखों में आंसू लिए मैं बस अपने पति को देखी जा रही थी कि वो कैसी बातें कर रहे थे, आज के जमाने में दाई से डिलीवरी कौन करवाता है। पर मुझे दर्द इतना ज्यादा था कि मैं कुछ बोलने लायक नहीं थी। तब भी मैंने उन्हें दर्द भरी आवाज में कहा कि मुझे अस्पताल ले चलिए। वो कहने लगी, नहीं, ये बहुत तजुर्बे वाली दाई है, बहुत अच्छे से डिलीवरी करवा देगी। इससे पहले कि आगे में कुछ बोलती वो कमरे के बाहर निकल गए। लगभग 2 घंटे की तकलीफ के बाद मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने मन ही मन भगवान को शुक्रिया किया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। पता नहीं मैं कब इतनी गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो अपने बच्चे को अपने आसपास ढूंढ रही थी, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने आवाज लगाकर अपने पति को बुलाया, पर वो वहीं अंधेरे कमरे में ही बैठे थे। वो उठे और उन्होंने लाइट जलाई। मैंने उनसे कहा कि हमारा बच्चा कहाँ है, बेटा हुई है या बेटी? मेरा इतना कहना था कि उनकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। कहने लगे कि हमें बेटा हुआ था, लेकिन तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। मैंने बड़ी ही हैरत भरी नजरों से उनको देखा और मैंने कहा, मरे हुए बच्चे को? लेकिन मैंने तो बच्चे की आवाज बहुत अच्छे से सुनी थी। मेरे पति आगे कहने लगे कि अरे, तुम तो बेहोश हो गई थी, हो सकता है तुमने नींद में सुनी हो। उनका इतना कहना था कि मैं जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी थी। मैंने अपने पति को कहा कि मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा मुझे वापस ला कर दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ, कहाँ है वो? इसके आगे उन्होंने जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहने लगे कि मैंने बच्चे को कल ही मिट्टी में दफना दिया। मैं बोली, कल का मतलब? वो कहने लगे कि तुम कल से ही सो रही हो और मैं अपने बच्चे की जुदाई का गम अकेला ही सह रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने ये मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने मुझे मेरे बच्चे को देखने तक नहीं दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मुझे ना जाने क्यों पर अपने पति से नफरत सी होने लगी थी, उनका चेहरा देखने का मन नहीं करता था मेरा। कुछ समय यूं ही गुजर गया और एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। एक दिन मैं यही सब बैठे बैठे सोच रही थी कि मेरे घर में मेरी पड़ोसन आई। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी। मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर बोली, बेटा तुम्हारे बच्चे का सुनकर बहुत दुख हुआ था, मुझे तो जब से पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं तो बस भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान इस बार तुम्हें जिंदा बच्चा दे,
क्योंकि तुम्हारे पति की पिछली बीवी ने भी 3 मरे हुए बच्चों को पैदा किया था और उसके बाद उस बेचारी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अक्सर यही बोलती रहती थी कि नहीं, मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था, मेरा तो मानो दम ही सा घुटने लगा। मैंने आंटी से कहा, आंटी मेरे पति क्या पहले से शादीशुदा है? उसके बाद आंटी ने एक चुप्पी सी साध ली। आंटी ने बहुत ही झिझकते हुए मुझसे कहा कि बेटा क्या तुम ये बात नहीं जानती? मैंने कहा नहीं। वो बेचारी कुछ कहने लायक ही नहीं रही, वो वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। उनकी बातों को सुनकर मैंने फटाफट अपने बैग में कपड़े डाले और घर छोड़कर चली गई। मैं जानती हूँ कि मेरे पति की पहली पत्नी ने सच ही कहा होगा, क्योंकि मुझे भी पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा जिंदा था, तो इसका मतलब है कि मेरे पति ही कुछ कर रहे थे। उस रोज मैं अपने मायके नहीं गई थी, क्योंकि अगर मैं अपने मायके जाती तो मेरे पति वहां भी आ जाते। मैं अपनी एक दोस्त के पास गई थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो अपनी मम्मी के साथ अकेली ही रहती थी। मेरी दोस्त एक नर्स की जॉब करती थी और उसके पीछे आंटी घर में अकेली थी। वो जानती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने उन्हें अपने पति की सारी बात भी बताई थी, इसलिए वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। एक दिन मैं आंटी के साथ हॉस्पिटल गई चेकअप के लिए। जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो ना जाने क्यों चौंक गई और उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और बाहर चली गई। आंटी और मैं हम दोनों ही एक कुछ समझ ही नहीं पाए, उनको देखते ही रह गए। कुछ देर में डॉक्टर 2 नर्स को अपने साथ लेकर आई और मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। मैं जैसे ही लेटी उन्होंने मुझे बांध दिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी कि क्या कर रही हैं आप मेरे साथ। मैं तो डर से थर थर कांपने लगी थी। आंटी सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। डॉक्टर को गुस्सा होते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप, डॉक्टर हो या जानवर? खोलो मेरी बेटी की जंजीर, नहीं तो मैं पुलिस में कॉल कर दूंगी। डॉक्टर कहने लगी कि आंटी जी आप थोड़ा सब्र कीजिए, ये सब हम आपकी बेटी के लिए ही कर रहे हैं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड की मशीन खोली और आंटी को दिखाया कि देखिए उनके पेट में जो बच्चा है उसका आधा शरीर बना हुआ है और आधा नीचे से पूरा खराब। अगर इस बच्चे का जन्म होता भी है तो आप लोग उसे कैसे संभाल पाएंगे? इनका अबॉर्शन करना बहुत जरूरी है, आप बाहर जाइए और अबॉर्शन के पेपर पर साइन कर दीजिए। आंटी जोर से कहने लगी कि छोड़ो मेरी बेटी को, कहने लगी कि हमें कोई अबॉर्शन नहीं कराना, आप छोड़ो इसको। मैं देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। वो मुझे बड़ी ही मुश्किल से अस्पताल से निकलवा पाई। मैंने आंटी को कहा कि आंटी मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, शायद वहीं जाकर पता चले कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। उसके बाद आंटी मेरे साथ घर चली गई। घर पूरा खाली पड़ा हुआ था। जब उसे खाली कमरे की तरफ बढ़ी तो वो कमरा आज खुला हुआ था, मेरे पति भी वहीं बैठे हुए थे। मैं कमरे में गई तो वो मुझे देखकर बहुत डर गए। मैंने उनसे कहा कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान और आधा बिल्कुल खराब है, मुझे तुमसे जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे पति जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि सुनैना मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, अपनी जवानी के दिनों में मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। हमारे घर में एक नौकरानी थी, कभी कभी उनकी जवान बेटी उनके साथ ही आती थी, बेहद खूबसूरत थी वो, मैं तो उस पर मर मिटा था। मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत खुश हो गई। उसके बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैंने उसकी गरीबी का बहुत फायदा उठाया, जिसकी वजह से एक दिन मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। गुस्से में उसने ये बात मेरे मम्मी पापा को बता दी और फिर मैंने भी गुस्से में उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि तुम मेरे साथ शादी के सपने देख भी कैसे सकती हो, एक तुम ही बची हो जिससे मैं शादी करूंगा, एक नौकरानी की बेटी से। वो रोती हुई वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया है और उसके बाद मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी। जब मुझे मेरी पहली बेटी हुई तो 2 घंटे बाद ही वो मर गई। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी, वो एक बाबा के पास गई। उन बाबा ने बताया कि उस नौकरानी की बेटी ने मेरे ऊपर कुछ काला जादू किया है, वो इतना ज्यादा भारी है कि अच्छे अच्छे बाबा उसे काट नहीं पाए। उस जादू की वजह से ही मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हो पा रहा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, बहुत सारे बाबा को दिखाया लेकिन कोई भी उसके काले जादू को काट नहीं पा रहा था। मेरे 3 बच्चे पैदा हुए और तीनों ही स्वस्थ नहीं थे। मेरी पत्नी ने बहुत व्रत, बहुत मंदिर, सब कुछ किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ समय बाद वो मुझसे तलाक लेकर चली गई। करीब 8 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तो उस जादू का असर कम हो गया होगा, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। पर ऐसा हुआ नहीं। हमारा पहला बच्चा भी ऐसा ही हुआ था, जो आधा स्वस्थ था और नीचे से बिल्कुल खराब। 2 घंटे बाद वो मर गया था। मैं बहुत ही अजीब नजरों से अपने पति को देख रही थी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मेरे कहने पर उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया। कुछ समय बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कुछ समय जिंदा रहने के बाद मर गया। मेरे बच्चे के मरने के साथ साथ मैं भी मर चुकी थी। अब मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ। मेरे माँ पापा ने कभी भी मुझे बोझ नहीं समझा, उन्होंने हमेशा ही मुझे बहुत प्यार दिया।
आज मैं खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर बहुत डर जाया करती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या काला जादू इतना खतरनाक हो सकता है? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।